अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ वन क्लास हाउ आर यू होप सो यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स इट्स टाइम्स ऑफ योर मैथ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पेज वन सिक्सटीन सो ओपन योर बुक्स स्टूडेंट्स आप लोग इस पेज की प्रैक्टिस अपने रफ रजिस्टर्स पे करेंगे आप लोग अपने रफ रजिस्टर्स ओपन करें और अपनी मैथ्स के बुक का पेज नंबर वन सिक्सटीन ओपन करें हम ये क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड द नंबर टू आंसर दीज इस पेज पे हम लोग डिविज़न करना सीखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ सिक्सटीन राइट है ये right कौन सा साइन है बेटा जी ये डिवाइड का साइन है और यहाँ पे क्या राइट right है टू हमने सिक्सटीन को डिवाइड करना है टू से अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ मेरे पास टू चाइल्ड हैं और मैंने मेरे पास सिक्सटीन कैंडीज़ हैं मैंने उन सिक्सटीन कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू चाइल्ड में ताकि दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके अब हम देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ मैं सिक्सटीन लाइन ड्रॉ करती हूँ आप सब मेरे साथ काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन मैंने यहाँ सिक्सटीन लाइन ड्रॉ की अब मैं एक एक कैंडी दोनों बच्चों को देती हूँ मैंने एक कैंडी एक बच्चे को दे दी और एक कैंडी दूसरे बच्चे को दे दी अभी भी मेरे पास बहुत सारी कैंडीज़ हैं तो मैं एक एक और दोनों बच्चों को दे देती हूँ एक एक कैंडी एक पहले बच्चों को दे दी एक दूसरे बच्चे को दे दी अब इन दोनों के पास कितनी कितनी कैंडीज़ होगी जी इन दोनों बच्चों के पास दो दो कैंडीज़ होगी अभी भी मेरे पास बहुत सारी कैंडीज़ हैं तो मैं एक एक कैंडी और दे देती हूँ मैंने एक कैंडी एक बच्चों को दे दी और दूसरी कैंडी दूसरे बच्चों को दे दी अभी भी मेरे पास और कैंडीज़ हैं तो मैं एक एक और दे देती हूँ जब मैंने एक, एक एक और दे दी तो दोनों बच्चों के पास कितनी कितनी कैंडीज़ होगी चार चार फोर फोर कैंडीज़ दोनों बच्चों के पास हो गई अभी भी मेरे पास बहुत सारी कैंडीज़ हैं तो मैं एक एक और दे देती हूँ मैंने इस तरह दोनों बच्चों को एक एक और कैंडी दे दी तो दोनों बच्चों के पास फाइव फाइव कैंडीज़ हो गई लेकिन अभी भी मेरे पास और मौजूद है तो मैं एक एक और दे देती हूँ इस तरह दोनों बच्चों तो के पास सिक्स सिक्स कैंडीज़ हो गई अभी भी मेरे पास है तो मैं एक एक और कैंडी दे देती हूँ दोनों बच्चों को मैंने एक एक और दे दी तो दोनों बच्चों के पास सेवन सेवन कैंडीज़ हो गई अभी मेरे पास सिर्फ दो कैंडीज रह गई हैं तो मैं इन दोनों को भी इन दोनों में बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी अब हम देखेंगे कि हमने दोनों बच्चों में जो कैंडीज़ हैं सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं अब देखते हैं कि दोनों के पास कितनी कितनी आई हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जी दोनों बच्चों के पास कितनी कितनी कैंडीज़ आई हैं एट एट तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे एट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ट्वेंटी फाइव राइट है ये डिवाइड का साइन है और यहाँ पे फाइव राइट है अब हमारे पास यहाँ पे फाइव चाइल्ड हैं और ट्वेंटी फाइव कैंडीज़ हैं तो हमने ये ट्वेंटी फाइव कैंडीज़ को फाइव चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं यहाँ लाइन स्टो करूँगी आप सब मेरे साथ काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर एंड ट्वेंटी फाइव अब मेरे पास मैंने यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ड्रॉ की हैं अब मैं पांचों बच्चों में ये कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी पहले मेरे सबको सब बच्चों को एक एक कैंडी दे दी एक पहले बच्चे को एक दूसरे को एक तीसरे को एक चौथे को एक पाँचवें को अभी भी मेरे पास बहुत सारी कैंडीज़ हैं तो मैं एक एक और दे देती हूँ पहले को मैंने दी दूसरे को दी तीसरे को एक कैंडी दी चौथे को एक कैंडी दी और पाँचवें को अब दोनों बच्चों पाँचों बच्चों के पास कितनी कितनी कैंडीज़ हैं दो दो अब मैं एक एक और दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कैंडीज और बाकी है मैंने सबको एक एक और दे दी तीसरे बच्चे को एक दे दी चौथे बच्चे को और पाँचवें बच्चे को अब सब बच्चों के पास तीन तीन कैंडीज़ हैं अभी भी मेरे पास हैं तो मैं एक एक और दे देती हूँ एक पहले को एक दूसरे को एक तीसरे को एक चौथे को और एक पाँचवें को इस तरह अभी मेरे पास फोर कैंडीज और हैं तो मैं फा, सॉरी फाइव कैंडीज और हैं तो मैं फाइव कैंडीज एक एक बच्चे को सबको दे दूँगी एक मैंने एक बच्चे को दे दी दूसरे बच्चे को एक तीसरे बच्चे को एक चौथे बच्चे को और एक पाँचवें बच्चे को इस तरह मेरे पास सारी कैंडीज़ ख़त्म हो गई अब हम देखेंगे कि हर बच्चे के पास कितनी कितनी कैंडीज़ हैं हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव हर बच्चे के पास कितनी कितनी कैंडीज़ आई हैं फाइव तो हमने यहाँ फाइव राइट करना है इसी तरह हम अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे अब यहाँ पे मेरे पास फोर चाइल्ड हैं और ट्वेल्व कैंडीज़ हैं मैं इसी तरीके से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो हर बच्चे के पास थ्री कैंडीज़ आएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एटीन डिवाइड थ्री तो मैंने थ्री चाइल्ड हैं उनमें मैंने एटीन कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड करना है तो ये हर बच्चे के पास सिक्स कैंडीज आएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्वेंटी फोर डिवाइड थ्री तो यहाँ मेरे पास थ्री चाइल्ड हैं और ट्वेंटी फोर कैंडीज़ हैं तो मैं यहाँ तीन जो मेरे पास बच्चे हैं उनमें ट्वेंटी फोर कैंडीज़ जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगी डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास एट आएगा नेक्स्ट यहाँ पे फोटी डिवाइड टू अब मेरे पास टू चाइल्ड्स हैं और मेरे पास फ़ोटीन कैंडीज़ हैं अब मैं जब इनमें डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो दोनों बच्चों में हर एक के पास सेवन आएंगी कैंडीज बेटा इसका एक तरीका ये भी है कि आप ये देख सकते हैं कि आपने आ, आप लोगों को फ़ाइव का टेबल मैंने फ़ाइव तक टेबल्स लर्न करवाए हैं आप देखेंगे कि टू के टेबल में फ़ोर्टीन कितने टाइम जाता है जी सेवन टाइम्स आता है टू सेवन टाइम्स फोटीन होता है तो हम यहाँ पे सेवन राइट करेंगे यहाँ देखिए मेरे पास टू चाइल्ड हैं और एट कैंडीज़ हैं एट डिवाइडेड बाय टू तो मैं दोनों बच्चों को कितनी कितनी कैंडीज आएंगी फोर नेक्स्ट यहाँ पे थर्टी डिवाइडेड बाय फाइव तो यहाँ पे मैंने फ़ाइव चाइल्ड हैं थर्टी कैंडीज़ हैं तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी हर चाइल्ड के पास सिक्स कैंडीज आएंगी नेक्स्ट ट्वेंटी डिवाइड टेन टेन चाइल्ड चा, हैं और उनमें मैंने ट्वेंटी कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर बच्चे के पास टू कैंडीज आएंगी इसी तरीके से बेटा आप लोगों ने यहाँ तक इस पेज की जे तक सॉरी एल तक आप लोगों ने इस पेज की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से अपने रफ रजिस्टर्स पे करना है ओके बेटा टेक केयर एंड ला फेस